रजत सर, जिस तरीके से हमने बाजार पे बात करी थी और बहुत सारी चीजें, तो वो तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि आप व्यू में कहीं कुछ अभी चेंजेस हैं या कहीं कुछ हुआ, क्योंकि बाजार भी कहीं गया नहीं है। आपने जहां से उसको डरा दिया, उसके बाद से वो एक रेंज के अंदर में ही काम कर रहा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस रेंज को तोड़े। लेकिन अभी भी आप उम्मीद यही करते हैं कि ये बड़े चांसेस हैं रेंज नीचे की तरफ टूटेगी, या कुछ साइडवेज लंबा रहने की उम्मीद ज्यादा है? सर देखिए, ये अब मैं देख रहा हूँ रिवर्स तरीका एक चालू हो रहा है। पहले मैं निफ्टी के मूवमेंट का सारा दमदार आपके कंधे पे डालता था, अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ, और वो शायद अगर वर्ड सही हो, शगुफा हम नहीं पालते ऐसा जो आप बोला करते हैं कि हम चला रहे हैं इसको। मगर हाँ सर, एक चीज है कि जैसा कि अपन प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं इतने टाइम से कि निफ्टी एक रेंज बाउंड रहेगी, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना करें, इस वीक में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन जरूर ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहे हैं कि प्री बजट मूवमेंट अपसाइड में निफ्टी में आना चाहिए। समहाउ वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लोग थोड़े नर्वस भी हो गए हैं, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी रेंज शॉर्ट कर दी है। बट अभी भी मैं समझता हूं कि प्री बजट एक बार थोड़ी सी इज्जत बजट को शायद मिल सकती है, और एक बार हो सकता है कि 18,300 से 18,480 लेवल्स के बीच में निफ्टी बजट के पहले पहुंचे। बजट में क्या होगा और कैसे होगा वो तो खैर एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, बट उसके पहले एक बार ये रेंज आनी चाहिए। बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, और इसके पीछे एक और कारण अगर हम देखें तो आप इसको ऐसे भी समझें कि कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में ही हमने ये अपना एक प्रिडिक्शन दे दिया था कि इस साल इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। डीमार्ट ने जो रिजल्ट्स दिए वो कहीं ना कहीं आपकी एक अर्बन ग्रोथ में जो स्लोडाउन है वो दिखा रही है। सेम चीज एशियन पेंट के जो रिजल्ट्स आए लेटली उन्होंने भी दिखाया। अर्बन ग्रोथ स्टोरी जो 2022 में आपने देखी थी वो बहुत हद तक रिवेंज बाइंग वाली थी, जो कि अब कहीं ना कहीं सबसाइड हो रही है। मैं समझता हूं इसमें एक और चीज हमको समझ में आती है कि अब हमको फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर बहुत ज्यादा अर्बन कंजम्पशन पे, बहुत ज्यादा ऐसे मल्टी बैगर देखते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप में चांसेस नहीं लेने चाहिए। हमको अपना इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन्स में पार्क करना चाहिए, डिफेंसिव में पार्क करना चाहिए, बहुत हद तक इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में ही अपना फंड पार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे एक्सीडेंट्स जो हम समझ रहे हैं कि आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की टॉप लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी की जो उनके कंज्यूमर की तरफ से ग्रोथ है, डिमांड की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई दिख रही है। अब सर थक रहा है सिस्टम, और इस थकावट में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो छोटे ब्लिप्स की अगर बात करें, वो एक चीज़ है कि हाँ कहीं ट्रिगर या बजट से या कुछ ऐसी वाली उम्मीदें, या शॉर्ट टर्म तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल में थकावट और ओवरऑल में कहीं ना कहीं सचेत रहने की सलाह अभी भी कायम है। रचित जी तो वो बता रहे हैं। रचित सर, मैं एक चीज़ और, मुझे एक ऐसा मेरे को लग रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी थ्योरी है या मुझे ऐसा लग रहा है, और ये प्रूफ या तब होगी जब हम एक्चुअल बजट को देख लेंगे और बजट के बाद बाजार के मूवमेंट को देख लेंगे। मुझे क्या लग रहा है सर कि अब इंफॉर्मेशन की एक जबरदस्त आंधी आ चुकी है, तो इंफॉर्मेशन या ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन सब जगह हो चुका है। तो जो पहले चीजें स्लो होती थी, इंफॉर्मेशन थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करती थी, आप अगले दिन अखबार पढ़ते थे और उसमें आपको पता चलता था और चीजें आप तक पहुंचती थी, फिर चर्चा होते होते आप तक बात होती थी, तो लोगों को समझ में आता था या पता होता था। तो शायद वो वाली चीजें हैं कि थोड़ा देर से चीजों का रिएक्शन होता था। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया, इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया सब भरा पड़ा है इन इंफॉर्मेशन से, कि अब शायद वो चीजें या तो बहुत जल्दी फैक्टर इन हो चुकी होती हैं या बहुत पहले से हो चुकी होती हैं, तो लोग बहुत टाइमली अब आखिरी दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस हफ्ते बजट आने वाला है, अब मैं यहाँ से खरीदारी शुरू करूँ, क्योंकि बाजार की तेजी तो खरीदारी से ही होती है। चीजें तो बढ़ेगा तो तभी जब लोग खरीदेंगे, या खरीदारी आएगी तभी स्टॉक बढ़ता है। तो वो सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन अब बहुत ही और पहले बहुत एडवांस हो चुका है, लोग बहुत ही एजुकेटेड एम्पावर्ड हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसमें कि हमारे जैसे चैनल्स का भी हो सकता है थोड़ा बहुत योगदान होगा, कि
कि लोगों को पता है कि ये चीजें होंगी और इससे ये फर्क पड़ेगा, उन्हें मालूम है कि ये बजट है, ये बजट है इस सरकार का जो कि फुल बजट होगा, कंप्लीट बजट होगा, इस साल में बजट में क्या क्या चीजें सरकार किस किस तरीके के अनाउंसमेंट, तो वो चीजों के एक्शन या जो जो चीजें आनी है, शायद ऐसा लग रहा है, मैं बहुत कॉन्क्रीट उससे नहीं कह सकता, और हो सकता है कि अभी भी बहुत लोग बाकी हों जो लास्ट मोमेंट पे ही काम करते हो और या देर में ही करें, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा वो देखना, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि शायद इंफॉर्मेशन का फ्लो अब इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना मजबूत है वो नेटवर्क, कि शायद चीजें लोगों को पता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं, ऐसा हो सकता है। सर आपका ये जो पॉइंट अभी आपने रखा ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आई वॉज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में सर एक चीज आई जो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर बहुत ही बड़ी शॉकिंग थी कि इंडिया ने आज के टाइम एआई बेस्ड ट्रेडिंग इतनी ज्यादा इंटेंसिफाइड है कि देर आर मोर देन 158 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जिसमें आपका न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी आता है, वो बहुत ज्यादा होने लग गया है इंडिया में, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बहुत हद तक कम होता जा रहा है। तो जो आप इंफॉर्मेशन की फास्ट फ्लो की बात कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन की फास्ट फ्लो के साथ साथ आप नोटिस करिए कि वो हाथ के हाथ, पहले क्या होता था सर, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम सीख रहे थे, जब हम समझ रहे थे, तब हमको ये बोला जाता था कि अगर आप कोई स्टॉक प्राइस देख रहे हैं और उसमें कोई न्यूज अगर 24 आवर्स से पुरानी हो चुकी है तो उसकी जो प्राइस है उस प्राइस में आप उस न्यूज को डिस्काउंट करके चले, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स जो बाइंग सेलिंग होनी थी उस न्यूज पे 24 घंटे में वो स्टॉक्स में सबसाइड हो जाती है। सर आजकल इट डजंट इवन टेक 15 मिनट्स, पीपल हैव सच काइंड ऑफ सेटअप इन देयर सिस्टम, और हमारे जो टीवी पे न्यूज आती है वो टीवी पे भी आप देखें कि पीटीआई और ब्लूमबर्ग और इन सब से न्यूज जो ये लोग सोर्सेस करते हैं, रॉयटर्स से करते हैं, आज के टाइम में लोगों ने अपने एआई को उस पर्टिकुलर एजेंसी से डायरेक्ट कनेक्शन करके रखा हुआ है, एंड द एआई ट्रिगर्स द ट्रेड वे बिफोर वी इवन गेट द न्यूज। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ये 100% सही है, इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत फास्ट हो गया है, पहले के टाइम से नहीं चीजें मैचअप हो रही हैं। जो बजट की बात है सर, उसमें मैं एक आपको चीज जरूर बताना चाहूंगा जो आपने एंड में खुद ही अपने डिस्कशन में बता दी कि कुछ लोग हैं जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बोलूंगा सर कुछ टिपिकल ट्रेडर्स होते हैं जो फास्ट ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं, 1-2 दिन 3 दिन की पोजिशन लेके चलते हैं, यूजली उनकी पोजिशन हेज्ड भी होती है, बट कुछ ओपन पोजिशंस रखते हैं, और कुछ हेज फंड्स होते हैं सर, हेज फंड्स लुक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं उनको जो बजट की मार्केट रूमर्स, मार्केट इनसाइडर न्यूज अगर कुछ होती है तो उस हिसाब से वो पोजिशन बना लेते हैं, बजट में कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट आए जो उनकी पोजिशन के लिए फेवरेबल ट्रिगर होता है तो वो बजट में वो न्यूज आते ही जैसे स्टॉक रिएक्ट करता है वो अपनी पोजिशन ऑफलोड करते हैं। सर वो संभव हो सकता है कि आपका जो आने वाला वीक है उसमें वो पोजीशन बनती हुई दिखे, इसीलिए मैं अपसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। अभी हम 18,000 प्लस लेवल्स पे चल रहे हैं, 18,360, 18,400, 18,500 यहीं तक का एक अपसाइड है जो कहीं ना कहीं मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ जस्ट बाय अज्यूमिंग कि उन लोगों की पोजीशन बिल्डअप कहीं ना कहीं आपको अभी आते हुए दिखे। एंड थैंकफुली FIIs की जो सेलिंग थी वो पिछले 1-2 दिन के जो अगर हम फिगर्स देखें उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सबसाइड होती हुई दिख रही है, तो आई बिलीव कि उस चीज के चलते एक छोटा सा अपसाइड आए, बट वो अपसाइड भी मैं कहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बजट के बाद क्या सिनेरियो होता है, हम 18,900 जाते हैं या हम 17,700 को ब्रीच करते हैं, वो एक बार बजट आ जाए उसके बाद ही हम कोई बेटर पोजिशन में होंगे बताने के लिए। टिल दैट टाइम 18,300 के ऊपर जैसे ही निफ्टी आए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और अपना कैश निकालें सिस्टम में से और सेफ हेवेंस में जाने की बात करें। आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही है, न्यूज बहुत जल्दी आ रही है और बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है वो है, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एल्गोरिदम्स का, उन सारी चीजों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है जो एल्गो ट्रेडिंग और ये वाली चीजें, इस पर अलग से भी एक बार डिस्कशन करेंगे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस का अलग तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, आज एक वाली भी खबर आई है
जिसमें कि बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो कई सारे चैनल्स पे आ करके जब रिकमेंड करते हैं तो उससे पहले वो खरीदारी कर चुके होते हैं, और जब रिकमेंड कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद जैसी तेजी आती है तो वो एग्जिट करके निकल जाते हैं। और इस पर कई सारी रेड्स हुई हैं कल देश भर के अंदर में, तो बहुत सारे एनालिस्ट पे। अच्छी बात यह है कि आप अभी भी शो में हैं, इसका मतलब ये क्लीन चिट पता चल जाती है कि नहीं, आपके यहाँ छापा नहीं पड़ा और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे सारे एनालिस्ट ये मैं कह सकता हूँ काफी हद तक कि इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये इसको बहुत ना के बराबर है, यही फाउंडर इंडिया का फायदा है, ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया का फायदा है जहाँ पे बड़े ब्रांड्स या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का इंटरवेंशन नहीं है या किसी भी ऐसे ग्रुप का इंटरवेंशन नहीं है जो कि इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। तो वो चीजें हम बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ईमानदार कोशिश है और वो आपके सामने है। ठीक है जी, लोकेश रचित जी कुछ कह रहे हैं क्या? सर, इसमें मैं एक और चीज ऐड भी करना चाहूंगा। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये बहुत हद तक अगर आप देखें कि होता आया है, और जैसे कि हम ऑफ एयर डिस्कस भी करते हैं कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर्सनली भी खुद इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एक के नाम आए भी थे, उनके ऊपर सेबी का पूरा एक सब बैठा भी था, सेबी ने उनको बैन भी किया था। ऑफ कोर्स वी वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू नेम देम पर्सनली, बट हाँ सर, ये हमेशा से होता आया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये कहावत बहुत सही है मार्केट की कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। जैसे न्यूज बाहर आए तब तो आप बाय ना करें, न्यूज के पहले जो आपको समझ में आए बाय कर लें, जैसे ही उसके फेवर में न्यूज आए आप उससे नमस्ते करें। जैसे कि अभी लोकेश जी बता रहे थे कि पार्टी खत्म होने से पहले निकल जाए वरना बिल भरना पड़ जाएगा। लोकेश जी की इस बात से मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे पार्टी में आते ही पहले खाना खा लेना चाहिए, कि खाना मैं इतने धीरे खाता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है सब चले जाए और मैं खाना खाता रह जाऊं। तो वो वाली स्पीड के जो लोग हैं वो न्यूज आते ही एग्जिट करें, अदरवाइज वो अंदर रह जाएंगे, बिल पेमेंट उनके नाम पे आ जाएगा। जी चलिए, तो ये कुछ एक चीजें और बढ़िया ध्यान रखिए। अल्फा किंग एक रिव्यूअर हैं सर, वो भी कह रहे हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है बजट शायद काफी हद तक, कि उनको पता है एक सब्सिडीज होंगी ऊपर और बहुत सारा फर्टिल वाला जो स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स और उस तरीके की चीजें, वो सेक्टर्स तो वो ऑलरेडी ऊपर जाकर गिर चुके हैं, मुनाफुल भी हो चुकी है। तो ये वाली चीजें, वही इंफॉर्मेशन फ्लो की एजुकेशन की बात कर रहे थे, और ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोग पहले इसका फायदा उठा पाते थे और बाकी रिटेलर्स केवल फंस जाते थे। तो समझदार आदमी उसका फायदा उठाता था, और कम समझदार आदमी या आम आदमी कह लीजिए जो उसके अंदर में छोटा सा पैसा लेकर के आता, इसीलिए जो कहा जाता है कि पैसे से पैसा होता है, तो वो बड़ा पैसा लेकर के आते थे और बड़ा पैसा लेकर के वापस चले जाते थे, और हमारा भी छोटा पैसा उसके अंदर में वो साथ में ले जाते थे, या क्योंकि वो ही पैसा उनके पैसे को बड़ा कर रहा होता था। तो अब वो चीजें नहीं है और अच्छी बात है, और सबके पास पैसा हो, इसी कवायद के साथ में, इसी मुहिम के साथ में हम इस पूरे शो को, इस चैनल को चलाते हैं।